अभी तक आपने एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। एडिशन में आपको ऐड करना बताया जाता है, दो नंबर्स का आप कैसे ऐड कर सकते हो आपको ये बताया जाता है। सब्ट्रैक्शन में आपको कैसे आप माइनस करते हो नंबर्स को, एक नंबर से कैसे दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो वो बताया गया है। बट नाउ इन मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई द टू नंबर्स और एनी नंबर्स। ओके, आप कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ओपन पेज नंबर 169, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली। मल्टीप्लीकेशन का नंबर होता है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली। एक ही नंबर को आप जब बार बार ऐड करोगे, ऐड करना तो आपको आता है, तो एक ही नंबर को अगर आप बार बार ऐड करोगे तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। जैसे टू है, अगर टू जो है, टू को आप फाइव टाइम्स ऐड करते हो, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो टू को जब आप फाइव टाइम्स ऐड किए तो क्या हुआ, कितना आ गया, टेन आ गया। तो यही आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना, आपको टेबल पढ़ना है और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मीन्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि जब आप कोई भी सेम नंबर को बार बार रिपीट करते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन मीन्स एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली। काउंट द नंबर ऑफ चिंपैंसीज इन ईच ग्रुप। अब आप देख सकते हो पेज नंबर 169 पे, हियर आर सम चिंपैंसीज, यहाँ पे कुछ चिंपैंसीज हैं। क्या बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ चिंपैंसीज इन ईच ग्रुप, आपको हर ग्रुप में कितने चिंपैंसीज हैं वो काउंट करना है। तो एक ग्रुप ये हुआ, द फर्स्ट ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप, द थर्ड ग्रुप एंड द फोर्थ ग्रुप। फोर ग्रुप हैं टोटल, कितने ग्रुप हैं, फोर, और एक ग्रुप में कितने चिंपैंसीज हैं, टू। तो टू प्लस टू, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट द टू, फोर टाइम्स। क्यों, क्योंकि टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, क्योंकि फोर ग्रुप्स हैं हमारे पास और एक ग्रुप में टू चिंपैंसीज हैं, है ना। तो आपको टू जो है वो फोर टाइम्स लिखना है, जितने भी हैं काउंट करो, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है, फोर ग्रुप्स हो गए। तो जब आप इन टू को फोर टाइम्स प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, एट मिलेगा। क्या मिलेगा, एट मिलेगा। तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, आप ऐसे लिखने के बजाय आप क्या लिख सकते हो, टाइम्स है। यहाँ पे देखो ना, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स आया ना,
होता है दैट डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन. लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको समझ सकते हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय डूइंग सम क्वेश्चन. हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मल्टीप्लीकेशन और मतलब कैसे हम समझ सकते हैं मल्टीप्लीकेशन को. सो इन क्वेश्चन नंबर वन, फिल द बॉक्सेस. यू हैव टू फिल द बॉक्सेस इन क्वेश्चन नंबर वन. द फर्स्ट वन इज डन. The first one is already done, so I'm not going to do the first question. The A part, I'm going to do the B part. Okay? The B part is, how many birds are there? There are one group, two group, three group. How many total groups are there? Three groups. And in one group, how many birds are there? One, two, three, four, five. Ek group mein kitni birds hai? Five birds hai. Hai na? Toh five birds A group mein hai. Toh abhi mein bataya tha. कि टोटल नंबर ऑफ जो भी ग्रुप्स होंगे उनको आप यहाँ लिख दोगे. ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं? वन टू थ्री, थ्री ग्रुप्स हैं तो थ्री लिख दिया. और एक ग्रुप में कितनी बर्ड्स हैं? फाइव, तो मल्टीप्लाई बाय फाइव. ओके, सो थ्री फाइव जो थ्री का टेबल आपको पढ़ना है फाइव टाइम्स. थ्री फाइव जो फिफ्टीन. अंडरस्टैंड टेबल. टेबल अगर आपको नहीं आएगा तो आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको टेंथ तक टेबल लर्न हो. अंडरस्टैंड, विदाउट लर्निंग टेबल यू कैन नॉट बी एबल टू डू द मल्टीप्लीकेशन. सो कीप इन माइंड दैट बिफोर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू लर्न द टेबल टिल टेन. टेंथ तक टेबल आपको याद होना चाहिए. अंडरस्टैंड, मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे चैप्टर आपको समझाना है, इसलिए मैं बता रही हूँ. मैंने बताया थ्री फाइव जा, तो आपको थ्री फाइव जा अगर टेबल थ्री का याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे कि थ्री फाइव जा कितना होता है. तो टेंथ तक टेबल आप सबको लर्न होना चाहिए. ओके, नाउ अभी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे? थ्री. एक ग्रुप में कितनी बर्ड्स हैं? फाइव. सो थ्री फाइव जा फिफ्टीन. नाउ द सी पार्ट इज हाउ मेनी टॉपीज आर देयर. एज यू कैन सी हाउ मेनी ग्रुप्स आर टॉपीज हियर. कितने ग्रुप्स हैं टॉपीज के? वन टू थ्री, थ्री ग्रुप्स हैं तो अगेन हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे. ठीक है, और जब थ्री लिखेंगे और क्या करेंगे कि एक ग्रुप में कितनी टॉपीज हैं? फोर टॉपीज हैं, तो हम फोर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. थ्री फोर जा ट्वेल्व. ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जो बॉक्सेस स्टार्टिंग में प्लस प्लस का साइन दिया हुआ है, जितनी टॉपीज हैं, जितने ग्रुप्स हैं आपको वो लिखना है. तो जैसे कि कितने ग्रुप्स हैं? वन टू थ्री. टोटल कितने ग्रुप्स हैं? थ्री ग्रुप्स हैं. ठीक है, थ्री ग्रुप्स हैं तो फोर लिखना है आपको थ्री टाइम्स. ठीक है, और एक ग्रुप में फोर है तो इसलिए आपको फोर लिखना है. एक ग्रुप में कितनी टॉफीज हैं? फोर है तो इसलिए आपको यहाँ पे फोर लिखना है. अंडरस्टैंड, और जितने ग्रुप्स हैं उतनी टाइम्स लिखना है. अंडरस्टैंड, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन समझ में आया होगा. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू. फिल द बॉक्सेस. बॉक्सेस आपको फिल करने हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं आप देख सकते हो. पहला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है तो मैं पहला वाला क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू बी पार्ट. सो कैप्स दिए हुए हैं यहाँ पे. कितने कैप्स के ग्रुप हैं? एक ग्रुप में टू कैप्स हैं तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन ऑल टोटल? वन टू थ्री फोर फाइव. देयर आर फाइव ग्रुप्स. फाइव ग्रुप्स हैं टोटल, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? फाइव लिख देंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? फाइव. ठीक है, और एक ग्रुप में कितने कैप्स हैं? टू कैप्स हैं तो फाइव टू जा टेन. अंडरस्टैंड, ऐसे ही हम सी वाला भी देखेंगे. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर. फोर ग्रुप्स हैं तो हम यहाँ फोर लिख देंगे. और फिर एक ग्रुप में कितने कैप्स हैं? टू, तो फोर टू जा एट. मेक श्योर अगर आपको टेबल नहीं याद होगा तो आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे. तो मल्टीप्लीकेशन करने से पहले आपको टेबल याद होना चाहिए. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज, नो
देयर इज नॉट क्वेश्चन नंबर थ्री. अब यहाँ पे आपको टेबल्स दिए हुए हैं, टू का टेबल है, थ्री का टेबल है, फोर का टेबल है, ठीक है, फाइव का टेबल है, अप टू फाइव टेबल इज गिवन. तो आपको कम से कम फाइव तक टेबल तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक टेबल आपको याद होना चाहिए. आपके बुक में दिया हुआ है तो मिनिमम फाइव तक टेबल आप याद कर लीजिएगा. ओके, जब आप फाइव तक टेबल याद कर लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे. दैट इज ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस. यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स गिवन इन योर बुक एंड यू हैव टू फिल दीज बॉक्सेस. सो द फर्स्ट वन इज आइसक्रीम्स. एज यू कैन सी इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में कितनी आइसक्रीम्स हैं, फोर, और कितने ग्रुप्स हैं टोटल, टू. तो जितने ग्रुप्स हैं पहले हम वो लिख लेंगे. पहला वाला हुआ है ऑलरेडी, टू ग्रुप्स हैं, ठीक है, और एक ग्रुप में कितने आइसक्रीम्स हैं, फोर, तो टू फोर जा एट. तो फर्स्ट वाला ऑलरेडी हुआ था तो हम सेकेंड वाला करेंगे. ओके, सेकेंड है द एप्पल वन. तो एप्पल्स के कितने ग्रुप हैं, सबसे पहले आप ग्रुप को काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ एप्पल्स आर फाइव. ओके, एंड इन वन ग्रुप हाउ मेनी एप्पल्स आर गिवन, टू, तो फाइव टू जा टेन. अंडरस्टैंड? नाउ इन द सेम वे द सी वन, देयर आर सम कैप्स, बर्थडे कैप्स. सो हाउ मेनी कैप्स आर देयर इन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ द कैप्स, कितने कैप्स के ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं टोटल, वन टू थ्री फोर, फोर ग्रुप्स हैं, सो राइट इट हियर फोर. ओके, एंड एक ग्रुप में कितने कैप्स हैं, थ्री, सो राइट इट हियर थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व. अंडरस्टैंड? ऐसे ही आपको ये दोनों भी करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग. मैं दो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है, बाकी के थ्री आपको खुद से करने हैं. पहले तो फर्स्ट ए एंड बी आप मैं करूंगी. आप देख सकते हो ए वाले में थ्री ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, थ्री ग्रुप्स, और एक ग्रुप में कितने कार्स हैं, फाइव कार्स हैं. सो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, कहां पे लिखा हुआ है थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, फिफ्टीन. रिटेन तो कार को आप थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव फिफ्टीन से मिलाओगे. अंडरस्टैंड? नाउ बनानास, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स वन टू थ्री फोर, फोर ग्रुप्स हैं और टू बनानास है एक ग्रुप में. तो फोर मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल्स टू, कहां लिखा है फोर मल्टीप्लाई बाय टू, द फर्स्ट वन. सो मैच इट विद द फर्स्ट वन. अंडरस्टैंड? ऐसे ही आपको सी डी ई भी करना है. ओके, सो अप टू क्वेश्चन नंबर फोर इज कंप्लीटेड. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द आंसर विल गेट इट कॉल्ड द प्रोडक्ट. जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट, जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. हम मल्टीप्लीकेशन में जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको आंसर नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, दिस इज माई प्रोडक्ट, ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट आया है. अंडरस्टैंड? तो मल्टीप्लीकेशन में जो भी आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. अंडरस्टैंड? सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव. कोई भी टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, कि सिक्स अगर टू से मल्टीप्लाई हुआ है तो सिक्स टू जा क्या होगा, सिक्स का टेबल याद होगा तभी हम कह सकते हैं, या टू सिक्स जा भी सेम ही होता है, ठीक है. तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ, अगर आपको आप पहले फाइव तक टेबल याद कीजिए, लाइक अगर आपको पूछ लिया सेवन मल्टीप्लाई बाय टू, आप फाइव तक टेबल याद किए हैं, ठीक है, और पूछ लिया सेवन मल्टीप्लाई बाय टू, तो सेवन का टेबल तो आपको याद नहीं है, नहीं आ रहा है, तो आप टू का टेबल सेवन टाइम्स पढ़ सकते हो. क्यों? क्योंकि सेवन मल्टीप्लाई बाय टू जो आएगा आंसर, वही टू मल्टीप्लाई बाय सेवन भी आएगा आंसर. समझ में आया? तो सेवन मल्टीप्लाई बाय टू आप कह सकते हो या टू मल्टीप्लाई बाय सेवन कह सकते हो. अंडरस्टैंड? आप अगर नंबर्स को इंटरचेंज कर दोगे तो आपका रिजल्ट जो है, प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा. आप सेवन मल्टीप्लाई बाय टू कहो तो भी आपका आंसर वही आएगा, या टू मल्टीप्लाई बाय सेवन कहो तो भी आपका आंसर वही आएगा. तो टू मल्टीप्लाई बाय सेवन अगर
को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए या 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा। अंडरस्टैंड? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये तो मैंने बता दिया कि दो नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 6 का टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप 2 का टेबल भी पढ़ सकते हो 6 टाइम्स, तो 2 6 का 12। अंडरस्टैंड? लेकिन आपको टेबल याद होना चाहिए, इन केस अगर मान लीजिए अभी आपको स्टार्टिंग में याद नहीं है पहले, लेकिन 5 तक तो आपको कंपल्सरी याद करना है, 5 तक यू हैव टू लर्न द टेबल। ओके, नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जा 20। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 4, अब आपको 10 का टेबल मान लीजिए याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको 3 का पोजिशन कर दोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 10 जा 14। अंडरस्टैंड? इन द सेम वे यू हैव टू डू द रेस्ट वन आल्सो, जो भी बचा हुआ है आपको वैसे ही करना है। Now let's do question number 6, multiply the numbers. Numbers को यहाँ multiply करेंगे, तो जैसे कि आप addition और subtraction में tens और ones लिखते थे ना, जब भी आप add करते थे, वैसे ही हम starting करेंगे ones से then tens, ठीक है? The first one is 8, जब भी हम multiply करते हैं हमारा format क्या होता है, ऊपर हम बड़े वाले number को रखते हैं जिसको हमको multiply करना है, और नीचे हम छोटे वाले नंबर को कर लिखते हैं जिसका टेबल हमें पढ़ना है। अंडरस्टैंड? ये हमारा फॉर्मेट है। ओके, तो ऊपर हम 8 को लिखेंगे, जो जो बड़ा डिजिट, जो बिग बड़ा डिजिट होगा लार्जर डिजिट वी हैव राइट अबव, एंड द स्मॉलर डिजिट द टेबल व्हिच वी आर गोइंग टू रीड दैट नंबर वी हैव टू राइट हियर द बिलो। ओके, सो नीचे हम छोटे डिजिट को रखेंगे, ऊपर बड़े डिजिट को रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, पढ़ेंगे 3 का टेबल 8 टाइम्स, 3 का टेबल जिसका टेबल हमको पढ़ना है वही हम नीचे रखेंगे, तो 3 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द आंसर, 3 8 24। याद रखिएगा जो 22 आएगा वो टेंस के नीचे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और 4 जो है वो वंस पे होना चाहिए। अंडरस्टैंड? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, बी वन टेंस वंस, 7 बड़ा है तो ऊपर रखेंगे, 2 का टेबल हमें पढ़ना है तो हम 2 नीचे रखेंगे, 2 7 जा 14, तो 14 में 1 जो है वो हम टेंस के नीचे रखेंगे और 4 हम यहाँ, ये एरो मैंने बताया है आपको, आपको बनाना नहीं है इसको, मैंने बताया है कि टेंस के नीचे जो है वो 2 आएगा। अंडरस्टैंड? इन द सेम वे विद सी वन, टेंस वंस 9 ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा, तो 5 9 जा 45, तो 4 को आप यहां लिखोगे टेंस के नीचे और 5 को यहां लिखोगे। अंडरस्टैंड? नाउ बी वन टेंस वंस, अब यहां देखो 2 डिजिट आ गए, अभी तक तो एक ही डिजिट था, टेंस के नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन जब 2 डिजिट आ जाएगा तो भी आपको सेम वही करना है, सिद्धांत से देखना, ऊपर बड़ा डिजिट है 10 और नीचे 2 है, तो 2 का टेबल आपको 10 टाइम्स नहीं पढ़ना है, क्या करना है, 2 0 का, 0 को जब भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो आप 0 को कभी भी एक नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2 0 का 0, ठीक है, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 1 का 2, पहले हम 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 0 का 0, पहले जो ऊपर इसके ऊपर जो डिजिट दिया हुआ था होता है वंस का डिजिट, पहले हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 0 का 0 और 2 1 जा, जब 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब टेंस पे आएंगे, तो 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 यहां लिखेंगे और 0 लिखेंगे, 20। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, नो नॉट दिस चैप्टर, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, मींस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।